नमस्कार दोस्तों, हेलो सर जी, में आपका स्वागत है। आज हम नॉनटेक का एक वीडियो लेके आए हुए हैं और इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे धार्मिक पुनर्जागरण काल। इसमें बहुत सारे पर्सनालिटी हैं, जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, दयानंद सरस्वती हो गए, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, डीके कर्वे हो गए। ये सब इन लोगों का भारत में, भारत के सामाजिक सुधार के लिए क्या क्या प्रयास रहे हैं, धार्मिक सुधार के लिए क्या क्या प्रयास रहे हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। और जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड रहा है कि वो सदैव, कहने का मतलब ये चीज़ है कि जो अपना आधुनिक काल है, मतलब कि आधुनिक काल का इतिहास जो है, उससे कम से कम दो या तीन क्वेश्चन जरूर डालता है और उसमें भी दो क्वेश्चन पुनर्जागरण काल से जरूर रहते हैं। पिछली बार राजा राम मोहन राय से रिलेटेड क्वेश्चन थे, दयानंद सरस्वती से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो उसी सीरीज में हम सबसे पहले दयानंद सरस्वती पढ़ाएंगे, दयानंद सरस्वती के कार्यों का उल्लेख करेंगे, फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय, डी के कर्वे, ईश्वर चंद विद्यासागर और जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनसे रिलेटेड है उनके बारे में कम से कम चार या पांच वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में, दयानंद सरस्वती के क्या क्या कार्यों का उल्लेख, क्या क्या उन्होंने किया समाज के लिए, किस क्षेत्र पे ज़्यादातर उनका योगदान रहा, इन सब चीज़ों को हम सही से पढ़ेंगे। तो दयानंद सरस्वती सभी लोगों को पता हो गया, दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी या सत्यार्थ प्रकाश किसने प्रकाशित किया था, तो सत्यार्थ प्रकाश जो था वो दयानंद सरस्वती ने प्रकाशित किया था। तो जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो था मूल शंकर, उनका वास्तविक नाम जो था वो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन किंग लूथर कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को एक एक जो भी चीज़ें हमने बोर्ड पे लिखी है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको मैंने कलेक्ट करके उसके बाद से आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो उसको ध्यान से, 10 मिनट की वीडियो रहेगी लेकिन इसको आपको ध्यान से पढ़ना रहेगा। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। स्वामी पूर्णानंद उनके एक स्वामी पूर्णानंद जो कि उनके एक गुरु टाइप के थे, मतलब कि गुरु तो नहीं थे, उनके जो गुरु थे वो स्वामी बिरजानंद थे, सन्यासी बिरजानंद थे, लेकिन स्वामी पूर्णानंद जो थे उन्होंने इनको दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो निक नेम था ये दयानंद सरस्वती स्वामी पूर्णानंद ने दिया था। सन्यासी बिरजानंद थे वो इनके गुरु थे और इन्होंने गुरु दीक्षा जो है वो मथुरा में ली थी, उत्तर प्रदेश मथुरा में ली थी, और उसी समय अपने गुरु के सामने इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि भारतीय धर्म और संस्कृति को मैं पूरे भारत में प्रतिष्ठित करूंगा। मतलब पूरे भारत में इन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि पूरे भारत में भारतीय जो धर्म है और संस्कृति है उसको पूरे भारत में प्रतिष्ठित करूंगा, उनका उद्देश्य था। उस उद्देश्य को स्वामी बिरजानंद के सामने इन्होंने प्रतिज्ञा के लिए रूप में लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था लेकिन जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया था। जाति प्रथा का उन्होंने घोर विरोध किया था लेकिन वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया था। उसके बाद से है, उन्होंने बोला था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था कि जो सत्य है वो केवल और केवल वेदों में निहित है। तो देखिए, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट एक बार आया हुआ है, यूपीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय धर्म और संस्कृति को मैं पूरे भारत में प्रतिष्ठित करूंगा, ये सेंटेंस किसका है, ये वाक्य किसका है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। उसके बाद से आते हैं इनका, जैसे कि पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में इन्होंने की थी। उसका जो मुख्यालय था वो लाहौर में था लेकिन उन्होंने जो स्थापना की थी वो मुंबई महाराष्ट्र में किया था। आर्य समाज की स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में किया था और इसका जो मुख्यालय इन्होंने बनाया था वो लाहौर पाकिस्तान में, वहाँ पे इसका मुख्यालय था। और आर्य समाज जो सर्वाधिक प्रचलित हुआ, वो आर्य समाज सर्वाधिक प्रचलित हुआ पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, सर्वाधिक ये धर्म का प्रचार आर्य समाज के द्वारा प्रचलित हुआ। दयानंद सरस्वती स्वराज धर्म का
स्वराज स्वराज शब्द का उपयोग सर्वप्रथम उन्होंने किया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम उपयोग क्वेश्चन आया हुआ है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन का भी शुद्धि आंदोलन को भी चलाया था। यदि प्राचीन काल में मुगलों के काल में जो मुसलमान धर्म अपना लिए थे उनको बुद्धि शुद्धि यज्ञ करके शुद्धि यज्ञ करके उनका शुद्धिकरण करके पुनः हिंदू धर्म में उनका धर्मांतरण कराया जाता था, तो वही है शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1882 में गोरक्षा समिति, गौओं की रक्षा के लिए एक समिति बनाई थी जिसे कहते गोरक्षा समिति, उस गोरक्षा समिति को सन 1882 में इन्होंने प्रतिष्ठित किया था। उसके बाद उन्होंने ये कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था भारत जो है केवल और केवल भारतीयों के लिए है। आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान जो रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। जितने भी धार्मिक सुधार पुनर्जागरण काल में हुए, जितने भी लोग पुनर्जागरण काल में हुए, जितनी पर्सनालिटियां हुई, वो केवल और केवल दो चीज़ों पे, धर्म के क्षेत्र में सुधार किया उन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया। जाहिर सी बात है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा तो क्या है कि जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करना सबसे बड़ी उपलब्धि रही है स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात जो आर्य समाज था वो दो गुटों में विभक्त हो गया। एक गुट जो था वो लाला हंसराज के अगुवाई में था और दूसरा स्वामी श्रद्धानंद की अनुवाई में था। लाला हंसराज जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक थे और जबकि स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो हिंदी शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो जब ये धर्म आर्य समाज दो गुटों में विभाजित हो गया तो आता है जगह जगह पे आप देखेंगे डीएवी कॉलेज बना रहता है। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इसकी स्थापना लाला हंसराज ने सन 1886 में की। ये जो है ये शिक्षा का जो क्षेत्र है ये इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्रोवाइड करता है। ये जो विद्यालय है ये सभी विद्यालय इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज जो है उसकी स्थापना सन 1886 में लाला हंसराज ने किया, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल विश्वविद्यालय 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर किया। ये स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो हिंदी के शिक्षा के लिए काम किया और जो लाला हंसराज थे वो इंग्लिश की शिक्षा के लिए काम किया। उसके बाद से आता है सत्यार्थ प्रकाश, जो दयानंद सरस्वती की पुस्तकें थी। दयानंद सरस्वती की 3 पुस्तकें प्रचलित थी, जो सबसे ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा सत्यार्थ प्रकाश है वो पूछा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की 3 पुस्तकें हैं, सत्यार्थ प्रकाश जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1874 में, और 2 पुस्तकें थी वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका। ये 3 पुस्तकें थी स्वामी दयानंद सरस्वती की, और जिसमें पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन हुआ था सन 1874 में हुआ था। तो ये चीज़ था स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड, हमने कुछ फैक्ट दिए हैं। ये सारी चीज़ें एक ही साथ समेट के इनको एक जगह पे कलेक्ट करके नोट बना लीजिएगा, जिससे अगर इस पर्सनालिटी से कोई भी क्वेश्चन आता है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं के अंदर रहेगा, और ये केवल और केवल 5 मिनट सही से आप तैयार कर लेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का नॉनटेक का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।